हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को ये दोनों संगठन एक प्रकार से आश्वस्त कर देता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के विकास के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के विस्तार के लिए कर रहे हैं। इसलिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग वी आर फॉर द कंट्री एंड वी आर फॉर द नेशन, सो यू डोंट हैव टू वरी। इस प्रकार से ये दोनों एजेंसियां पाकिस्तानी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को भरोसा दिलाने का काम करती रही है और वो बदस्तूर जब से पाकिस्तान बना है तब से ये दोनों एजेंसियां यही काम करती है। लेकिन 80s 90s के दशक में अब कैसे ये हो रहा है ये भी मैं आपको बताता हूं। CIA को कौन सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करता है, ISI को सपोर्ट करने वाला क्या CIA है, क्या पाकिस्तान अमेरिकी खुफिया एजेंसी है, क्या अमेरिका इस पूरे खित्ते में, उसको उर्दू में खित्ते कहते हैं, इस पूरे इलाके में क्या अमेरिका इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करता है? जी प्रोटेक्ट करता है। अमेरिका का जियोपॉलिटिक्स इस बात पर निर्भर करता है। इसलिए जब दाऊद की बात होगी, जब भाईजान वगैरह की बात होगी, भारत के बॉलीवुड की बात होगी, तो ये रास्ता दुबई, दुबई से पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर अमेरिका तक जाएगा। इसमें घसीटिए मत चाइना को, इसमें घसीटिए मत रशिया को, ये सीधा सीधा रास्ता जाता है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, वो भी मैं आज आपको बताता हूं। तो दाऊद को प्रोटेक्ट कर रहा है पाकिस्तान की ISI और ISI को पूरी तरह से नहीं, लेकिन टाइम एंड अगेन CIA का समर्थन रहता है। क्यों रहता है? अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से CIA का टोटल सफल ऑपरेशन हुआ, अमेरिकी FBI का, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का टोटल समर्थन रहा, और आज बांग्लादेश की पूरी कारगुजारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने यह प्लान तैयार किया था, अमेरिकी खुफिया एजेंसी का ही यह प्लान तैयार था जो श्रीलंका में हुआ, अमेरिकी खुफिया एजेंसी का ही प्लान ये पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर इलाके पर यह पूरा धंधा चल रहा है। आज भी अगर जम्मू कश्मीर को अनरेस्ट किया हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं ISI और CIA की बहुत बड़ी भूमिका है। CIA तो बहुत अलग अलग तरीके से पेनिट्रेट किया हुआ है भारत में, बहुत सारे बुद्धिजीवी CIA के एजेंट बने हुए हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे फिल्म क्रिटिक, राइटर्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ये सब CIA और FBI के एजेंट बनकर के घूम रहे हैं। और हैरानी की बात है, भारत में वो न्यू लेफ्ट लिबरल हैं, लेकिन उनको चाइना से दुश्मनी है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकी एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खैर, अभी इस पर बाद में आते हैं, दाऊद अब्राहम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दाऊद अब्राहम को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संरक्षण में, पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में यह आदेश मिला कि आप ड्रग और नकली नोट के कारोबार में शामिल हो जाइए, और ये अवैध हथियार, ये कट्टा वगैरह जो आप देखते हैं इसका, और इसका पूरा इलाका पूरे देश में इस तरह से बना, और जम्मू कश्मीर हो या गुजरात का इलाका हो, मुंबई का जो महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है वो हो, नेपाल का रास्ता हो, इन सारे रास्तों से, बांग्लादेश का रास्ता है, इन सभी रास्तों से, और कई बार तो श्रीलंका के रास्ते से, तो इन सभी रास्तों से इन्फिल्ट्रेट कराने की पूरी कोशिश की गई। आज दाऊद अब्राहम वही काम कर रहा है। ड्रग सप्लायर है दाऊद अब्राहम, नकली नोट का सप्लायर है दाऊद अब्राहम, रियल स्टेट से हट गया है। यह कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है वो रियल स्टेट का वॉर है, और कहीं ना कहीं दाऊद के पुराने गैंग और बाबा सिद्दीकी के बीच की रंजिश का हिस्सा है, और उसको संभवतः पेनिट्रेट कर रहा है ये नया उभरता हुआ गैंगस्टर। अब कहानी की शुरुआत यहीं से होती है कि दाऊद अब्राहम के सफाई का गेम प्लान बना कैसे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे पूरी तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये ट्विस्ट किया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ। क्यों? क्योंकि ये रियल एस्टेट का वॉर अधिक दिखाई पड़ रहा है,
ना कि लॉरेंस बिश्नोई का। और ये जो कहा जा रहा है कि सलमान खान का जो करीबी है, सलमान खान को अलग से, ये जो तैयारी चल रही है अभी, सलमान खान दहशत में अलग से हैं, चूंकि बाबा सिद्दीकी उनके दोस्त हैं, उनकी हत्या हो गई है और लॉरेंस बिश्नोई इसमें अगर इस हत्या में शामिल नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पूरी तरह से जानकारी है और उनका पेनिट्रेशन यहां तक पहुंच चुका है। इसीलिए बड़ी मजबूती से लॉरेंस बिश्नोई इस बात को अपने ऊपर ले रहा है कि हमने हत्या की है और सलमान हमारे निशाने पर है। सलमान खान में दहशत क्यों है? सलमान खान में दहशत यह है कि सलमान खान को इस बात का इल्म हो गया है कि दाऊद का चैप्टर क्लोज कर दिया गया है और उसमें भारत सरकार की खुफिया एजेंसी बहुत शिद्दत से काम कर रही है। आपको याद होगा कि अभी कनाडा की सरकार ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार कनाडा में जो हत्या हो रही है वो भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित है और भारत सरकार की जो सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसी है आरएडब्ल्यू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये उसकी करतूत है, जिसका एविडेंस कनाडा की सरकार अभी तक दे नहीं पाया है, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं। मैं अगर कुछ पल के लिए मान भी लूं तो इसका मतलब है कि भारत सरकार का ऑपरेशन सही चल रहा है। अब मैं इस ऑपरेशन को सही क्यों ठहरा रहा हूं, इस पर मैं बाद में आऊंगा। और मैंने अभी एक जिक्र किया था आपको शिकागो के माफिया का, कैसे CIA, कैसे फेडरल इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो है FBI अमेरिका की, वो किस प्रकार से आज जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कहा जा रहा है कि भारत सरकार उसकी मदद ले रहा है देश विरोधी ताकतों को निपटाने में, तो अमेरिका ने कुछ साल पहले तक क्या किया था? मित्रों, अमेरिका इस मुद्दे पर भारत को शर्मन ना दे, कनाडा भारत को शर्मन ना दे। कनाडा पिछले 40-50 वर्षों से भारत विरोधी गतिविधियों को समर्थन दे रहा है। कैसे समर्थन दे रहा है? कनाडा सरकार और खास तौर से ये जो ट्रूडो देख रहे हैं आपको, ये कनाडा सरकार पंजाब से छोटे छोटे गांव से कोई पढ़े लिखे नहीं छोटे मोटे पढ़े लिखे नौजवानों को अपने यहां ले जाते हैं, छोटा मोटा उनको धंधा करवाते हैं, नौकरी देते हैं और उसके बाद भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उनको सोशल मीडिया वॉरियर के रूप में कर दिया जाता है और भारत विरोधी गतिविधियों को चलाने का वो काम कर रहे हैं। इसकी पुख्ता जानकारी आरएडब्ल्यू के पास, भारत के पास है। ये भारत सरकार पूरी तहकीकात के बाद पब्लिक डोमेन में आई है कि किस प्रकार से कनाडा की सरकार भारत के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार और कुकर्म कर रही है पिछले 50 वर्षों से। आज एक दो दिन की कहानी नहीं है, इसके पहले जो भारत की सरकार थी वो इस तरह से हेड ऑन नहीं लेती थी, भारत सरकार अब हेड ऑन ले रही है। अगर ये एक पल के लिए मान भी लीजिए कि भारत सरकार ने बिश्नोई गैंग का प्रयोग किया है कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को निपटाने के लिए, तो बुरा क्या किया है, किसकी सलाह दे रहे हैं? वो हर सरकार को अपने देश की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है और चाहे अगर उसमें उस देश की, जिस देश से यह गतिविधि चलाई जा रही है, उस देश की अगर कोई मदद नहीं मिलती है बल्कि वो देश भारत के विरोध में सारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का में जुटी हुई है और उसको डिनाई करती रही है, तो भारत सरकार के पास ऑप्शन क्या बचता है? या तो उस देश के खिलाफ सीधा सीधी युद्ध कर दे या फिर अपने विरोधियों को निपटाए। और भारत सरकार अगर कर रही है तो यह भारत सरकार का प्रेरोगेटिव है। मैं तो हैरान हूं, भारत सरकार को तो खुलेआम यह मान लेना चाहिए। खैर, यह डिप्लोमेसी का मामला है, भारत सरकार का यह प्रेरोगेटिव है, भारत सरकार इसको। लेकिन सच्चाई यह है कि कनाडा सरकार ने इस मामले में कोई सबूत नहीं रखा है और अगर उनको सबूत होता तो कनाडा सरकार यूएनओ जा सकती है, वहां पर प्रस्ताव पारित कर सकती है कि भारत सरकार हमारे यहां आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। ऐसा क्यों नहीं कर रही है? अभी वहां पर माफीनामा चल रहा है और ट्रूडो के भारत के खिलाफ बयान देने से कनाडा में बहुत जबरदस्त का विरोध हो रहा है, बहुत जबरदस्त। मैं चाहूं तो आपको कुछ वीडियो दिखा सकता हूं जो मेरे मित्र ने कनाडा से मुझे भेजा है। तो भारत के खिलाफ ट्रूडो के स्टेटमेंट से या वहां के विदेश मंत्री के बयान से कनाडा में बहुत सारे कैनेडियंस, इंडियन कैनेडियंस और जो मूल कैनेडियंस हैं
वो भी इस सरकार के खिलाफ, वर्तमान कनाडा की सरकार के खिलाफ आवाजें उठाने लगे हैं और बहुत नाराज है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने निज़र जैसे आतंकवादियों को निपटाने में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल किया है। चलिए, कोई सबूत नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर कनाडा की सरकार को खौफ है